फीचर्स ऑफ 18F452। 18F452 के कुछ फीचर्स। पहला फीचर है 16-बिट वाइड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट है वो 16-बिट का है। तो इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि जैसे हम कमांड देते हैं वो जो कमांड्स है वो 16-बिट के वाइड है। उसके बाद 8-बिट वाइड डेटा पाथ। डेटा पाथ यानी कि जहाँ से हम इनपुट और आउटपुट देते हैं उसे हम डेटा पाथ कहते हैं, वो 8-बिट वाइड है। प्रोग्राम मेमोरी, तो प्रोग्राम मेमोरी यानी कि वो मेमोरी जहाँ पे प्रोग्राम सेव होता है उसे प्रोग्राम मेमोरी हम कहते हैं, वो 2 मेगाबाइट की है और उसमें 21 एड्रेस लाइन्स है। तो इसे यहाँ पे हम रोम कहा गया है, ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे ये मेमोरी रीराइटेबल नहीं है, यानी कि हम बार बार इसे रीराइट नहीं करते जैसे कि रैम को करते हैं। फिर 4 किलोबाइट्स ऑफ डेटा रैम, यानी कि रैम, और उसमें 12 एड्रेस लाइंस है और इसका साइज है 4 किलोबाइट्स। जैसे हमने देखा प्रोग्राम मेमोरी का 2 मेगाबाइट था यानी कि पढ़ा था, अभी यहाँ पे 4 किलोबाइट है यानी प्रोग्राम मेमोरी से ये छोटा है। फिर 32 KB का फ्लैश रोम। फ्लैश रोम का मतलब है जिसे हम फ्लैश रोम का मतलब है जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसी मेमोरी। उसके बाद है 256 बाइट्स ऑफ डेटा EEPROM, यानी कि इरेजेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो इसमें 256 बाइट्स है यानी कि बहुत ही कम है, फॉर स्टोरिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ऐसे उसको बताया गया है। फिर 10-बिट 8-चैनल ADC। ADC जैसे कि हमें पता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, तो इसमें भी ADC है लेकिन वो 8 चैनल का है। तो 10-बिट का है, 8 चैनल का है। इसके बाद इसमें 5 पोर्ट्स है। पोर्ट्स यानी कि जहाँ से हम इनपुट आउटपुट वगैरह देते हैं, तो ये 5 है टोटल मिला के। फिर 5 पोर्ट्स ए बी, ये पहला पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी, पोर्ट ई, और कुल मिला के 33 इनपुट आउटपुट लाइन्स है। फिर इसके बाद है कैप्चर कंपेयर पल्स विथ मॉड्यूलेशन।